इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस सर, ओके, यस दिस इज द लेक्चर नंबर नाइन, नाइन सर, नाइन राइट? नाइन No. What we have discussed till now? Sir, chapter 2 discussed. Okay. So all of you have revised these things? Sir, last week I said different ways of taking food. Yes, different ways of taking food. We have discussed this thing, no? Yes, sir. Right. So you have discussed about chewing, swallowing, brewing, capturing, scrapping, lapping. Lapping. Yes, sir. We have discussed this all. Right. Yes. Now, the next point is, seventh point, that is sucking. Sir, sucking ka example kya likhenge, sir? Sucking means you will get to know about. सकिंग जैसे मॉस्किटो, राइट है ना, मॉस्किटो जैसे वो हम लोग के बॉडी पे बैठता है तो क्या करता है, ब्लड को सक करता है ना। यस। फिर बटरफ्लाई, यस सर, बटरफ्लाई, फिर हमिंग बर्ड, हमिंग हमिंग बर्ड, ये सब क्या करते हैं, जैसे जिस भी ऑब्जेक्ट पे बैठते हैं तो वहां से जो भी मिनरल्स, जो भी चीजें उनको लेनी होती है, ऑब्जॉर्ब करनी होती है, वो सक कर लेते हैं फ्रॉम दैट पैलेस, है ना। गॉट द पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर, राइट। तो कैन एनीवन टेल मी द एग्जांपल ऑफ कैप्चरिंग? सर, ईगल, वल्चर, वल्चर, राइट राइट। Can anyone tell me the example of swallowing? Swallowing? Sir, snake. Very good. Sir, cat. Frog, lizard. Frog, lizard. Okay, can anyone tell me the example of brewing? Housefly. Good. Okay, what about lapping? Cat. Very good. Very good. Very good. Very good. Means most of you have revised all the things. No. The next point is, we will mainly study here. The most important thing is human digestive system. Right? Human. Yes, sir. Human digestive system. Human digestive system. Okay. This is the main point in the nutrition in animal. कि भाई जो हम लोग हैं इसका कैसे क्या प्रोसेस होता है ना। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि एकदम जय श्री राम यहीं पे कर लेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के फिगर्स कैसे होते हैं सर? सर, माउथ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सर, ड्रॉ करें? नहीं, रुक जाइए, पहले वेट फॉर अ सेकंड, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ जैसा भी ड्रॉ कर पाता हूँ मैं। सर, उतना भी हार्ड नहीं है बराबर। यस, हम लोग कई बार बनाए हैं साइंस में। राइट राइट, चलिए जैसा भी हो गया है ना सर, हमें भी बनाना है। यस यस सर, ये कैसा सर, समझ नहीं आ रहा। पैर 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 होता ना, तो दो पैर हो गए ऐसे। राइट, तो ये हो गया, मान लेते हैं माउथ, माउथ, ठीक है सर, जगह छोड़ दे सर, बाद में अच्छा से बना लेंगे।
ये हो गया इसके ऊपर नोज, ये आई हो गया, अच्छा बन गया। अच्छा ये जैसे माउथ से कुछ खाया ऐसे, है ना, कुछ खाया तो यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, फिर ऐसे, फूड फिर पाइप, ये राइट है ना, फिर ऐसे 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 ओएसोफेगस, ऐसे आता है, लंग्स बनाइए, फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप का शेप होता है ये, है ना, यस, फिर यहाँ भी इस टाइप का शेप होता है, ये बेटा है, स्टमक, राइट राइट, ये हो गया, मान बड़ा लीजिए फ्रूट तैयार है। ऐसा है, फिर यहाँ पे एक ऐसा होता है छोटा सा, फिर यहाँ से ये स्टमक कनेक्ट, यहाँ से मान लीजिए कनेक्टेड है, वेट कनेक्शन है, ये मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसा स्टमक ऐसे है ना, यहाँ से कुछ ठीक है स्टमक, फिर यहाँ पे मान लीजिए पैनक्रियाज है ऐसे, है ना, ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ओके पैनक्रियाज है, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, ऐसे 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 स्मॉल स्मॉल ये चल रहा है, स्मॉल है ना, यस, स्मॉल पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम ऐसा है ना अपने बॉडी के सर्कोइल अंदर, एकदम पतला सा है, टाइप का, साइड हाँ कॉइल टाइप का, और इसके ऊपर वाला पार्ट में साइड। है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एकदम ऐसा बड़ा सा है, ऐसा है बड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से ये सब कनेक्टेड है ना, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे 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 गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर ये ऐसे 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 गोल ब्लैडर एंड ऐसे हो गया राइट, ऐसे 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 ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, या यस सर, राइट गुड, ये हो गया है ना, तो ये हो गया ठीक है, ये भी आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से ऐसे आपस में, अब समझते हैं, ऑल ऑफ यू प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कि सर क्या होता है क्या नहीं होता है, वी विल सी, आई विल शो यू द फोटो टू, ताकि मैं इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप भी यदि एग्जाम में भूल जाए तो एटलीस्ट आपके माइंड में हो कि अच्छा यार ऐसे ऐसे चीजें होती है, पर एक और पैर इधर बनाइए ना सर, क्या बनाइए, सर पैर इसका एक ही लाइन है सर, अच्छा अच्छा उधर यार तो इधर वाला उड़ गया क्या, ऐसे कर देते हैं, चलिए हाँ चलिए आइए, ये हो गया, आइए, तो देर आर सेवन थिंग है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सेवन थिंग होते हैं, सेवन ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, कितने ऑर्गन्स होते हैं बोलिए, सेवन, सेवन यस, कोई भी पूछे आपसे कि हाउ मेनी ऑर्गन्स डू ह्यूमन बींग हैव, तो आपको क्या बोलना है, सेवन ऑर्गन, देयर आर सेवन ऑर्गन्स, वेरी गुड, ऑर्गन्स है ना, यस सर ऑर्गन्स हो गए हैं सेवन सर, अब देखिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सर, तो सबसे पहला ऑर्गन होता है बकल कैविटी, अभी लिख लेते हैं, मैं सब चीज समझा दूंगा ना एकदम सब चीज समझ में आ जाएगा, बकल कैविटी याद करने की जरूरत नहीं बस लिखते चलिए सर, दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है एसोफेगस, दूसरा क्या होता है सर, एसोफेगस, ओके सर, सर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सर स्टोमेक, है ना स्टोमेक, सर फोर्थ क्या होता है सर, सर फोर्थ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए मैं जैसे जैसे बनाया था वही लिख रहा हूं, है ना, इसलिए मैं सर बनाया है ना, इसके बाद मैं क्या बनाया, लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन लिख दूंगा
सर इसके बाद क्या बनाया सर? सर रेक्टम, जिसको गोल ब्लैडर, और रेक्टम के बाद क्या बनाया सर? एनस। अच्छा सर, ऑल ऑफ यू हैव रिटन। सर फर्स्ट क्या है सर? हेलो, बकल बकल कैविटी, कैविटी, बकल बकल कैविटी। कैविटी, सेकंड क्या है सर? ओएसोफेगस, स्टमक, एसोफेगस। थर्ड क्या है सर? स्टमक। स्टमक, फोर्थ क्या है सर? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। फिफ्थ क्या है? लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ क्या है? रेक्टम, रेक्टम, देन सेवंथ एनस, है, लास्ट है एनस। एनस, अच्छा सर, दीज आर ऑर्गन्स विच वी हैव इन आवर बॉडी, है ना? अब सर ठीक है सर, ऑल ऑफ यू हैव रिटेन, नो ओके सर, प्लीज राइट। यस रिटन, नो सर, ओके प्लीज राइट। यूट्यूब पर डालते हैं ना क्या सर वीडियो, राइट? यस सर, यस हो गया डन? सर, या यस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बकल कैविटी। अच्छा तो पहले एक, अब मैं इमेज दिखाता हूँ आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज देखिए ना, इमेज। दिस इज द राइट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए इसलिए सेव कर लेते हैं। फिर वहां पर ओके नाउ सब लोग बना लिए? वेट इंसर्ट कर लेते हैं मॉडल। नहीं बनाया सर, बगल में बस छोड़ दिए जगह, सिर्फ क्लास के बाद मना के भेज देंगे। HDS, HDS, यस ये इमेज आ गया। इज इट विजिबल टू यू ऑल? ये इमेज सबको दिख रहा है? यस ओके राइट। सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर क्या होता है, यू नो। एक वन सेकेंड, क्या ये जूम होता है क्या? नो, कंट्रोल प्लस, हाँ जूम हो रहा है। या इज इट विजिबल टू यू ऑल? यस राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, फर्स्ट पॉइंट क्या था सर? ऑर्गन्स में क्या लिखाया था मैं? बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल बकल कैविटी, कैविटी। सेकंड पॉइंट सर? ओएसोफेगस, ऐसो, ओएसोफेगस, ओएसोफेगस, अच्छा सर। थर्ड पॉइंट? स्टोमक, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट? स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट स्नेहा? वेरी लार्ज लार्जेस्ट टाइम, गुड, लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्स्थ पॉइंट? रेक्टम, वेरी गुड। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज? एनस, 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 नाउ ऑल ऑफ यू एनस, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, फर्स्ट बकल कैविटी है, इसके बाद जितने भी हैं, इसके बाद जितने भी हैं, इन सबको एक नेम दिया गया। इस नेम को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं सर?
एलिमेंट्री एलिमेंट्री कहना। तो अब आपसे टीचर क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए भाई एलिमेंट्री कैनाल में कितने ऑर्गन्स होते हैं। सिक्स वेरी सिक्स गुड। तो क्वेश्चन आ गया आपके पास, हाउ मेनी ऑर्गन्स डू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज। तो आपने कितना बोला सर सबसे पहले? ओए सेवन ही है सिक्स ना। मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया, तो आपने क्या कितना बोला सर? सेवन। सेवन वेरी गुड सर, सेवन। अब क्वेश्चन चेंज, क्वेश्चन बोल रहा है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑर्गन्स डू विच एलिमेंट्री कैनाल हैज। सिक्स वेरी वेरी गुड, सिक्स। सबको समझ में आ गया भाई? वेरी गुड। अच्छा सर फिर बोला गया कि बेटा जो ये एलिमेंट्री कैनाल तुम जिसको बोलते हो ना, यस सर, इसका दूसरा नाम जानते हैं क्या है? क्या सर क्या है बताइए ना। डाइजेस्टिव ट्रैक। क्या है सर? डाइजेस्टिव वेरी गुड ट्रैक। तो आपसे पूछ सकता है कोई भी टीचर और फैसिलिटेटर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई एलिमेंट्री कैनाल तो तुम जानते हो, लेकिन क्या आप ये भी जानते हो कि इसके जगह पे क्वेश्चन हो, हाउ मेनी ऑर्गन्स डू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज। इसका भी आंसर कितना होगा सर? सिक्स वेरी गुड। सबको समझ में आ गया सर? यहां तक यस कोई दिक्कत है किसी को? नो अच्छा सर ठीक है सर, सब लिख लिए यहां तक? यस सर डन ऑल ऑफ यू? यस सर ओके प्लीज राइट फास्टली। यस सर इट रिटन। अब ध्यान से समझिए सर, ऑल ऑफ यू प्लीज सी सर, ये वाला जो पार्ट है इतना तक है ना, ये जो पार्ट है ना इतना तक सर, यस सर, यही है क्या बकल कैविटी? ये क्या है सर? बकल कैविटी। और इसके बाद जो इस गले के नीचे जितना भी पार्ट है ये क्या है सर? एलिमेंट्री कैनल। वेरी गुड, एलिमेंट्री कैनाल। या फिर इसका और क्या नेम है सर? डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक। वेरी गुड। सबको समझ में आ गया पक्का? यस सॉरी सर वॉइस इज नॉट कमिंग। नॉट कमिंग? सर कमिंग या सर तो देर मे कमिंग। बी सम नेटवर्क इशू इन योर एरिया अभिलाष। ओके तो यू हैव अ चॉइस दैट यू कैन आल्सो विजिट आफ्टर द सेशन, है ना? कोई बात नहीं है, बट ट्राई टू फिक्स दैट बग कि क्यों नहीं आ रहा है। तो इतना तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा नो सर सर। यहां तक सभी लोगों ने लिख लिया? यस यस सर। सर। अच्छा आइए सर, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक टर्म आता है डाइजेशन। सर डाइजेशन का मतलब क्या होता है?
डाइजेशन का सिर्फ मतलब इतना है सर कि जो भी हम खाते हैं वो पच जाता है पेट में जाकर। हेलो, पचता है ना सर, है ना? यस सर, पचता है। सो सर, ये डाइजेशन का मतलब है पचना, जो भी हम खा रहे हैं वो पच गया, है ना? मतलब पचना का मतलब क्या है सर? पचना का मतलब है कि सर हम इतना बड़ा रोटी खाते हैं लेकिन पेट में जाके जानते एकदम पतला पतला हो जाता, एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा। मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बिटवीन टू पार्टिकल। यदि मैं अपने पेट को ऐसे फाड़ दूं, है ना, और बोलूं कि देखो मैंने जो खाया, तो आपको समझ में नहीं आ रहे सर तो रोटी खाए थे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। मतलब कि सर आप खाते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को। क्या खाते हैं सर? बहुत रोटी खाते हैं, कॉम्प्लेक्स दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, एग खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। सर आप खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। इन सब फूड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड और सर जैसे ही खाते हैं ना, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है, जानते हैं ये क्या हो जाता है? छोटा छोटा एकदम हो जाता है, सिंपल एकदम छोटा सॉल्युबल छोटा, सब्सटेंस। मींस सिंपल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स क्या यस हो गया? सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, सिंपलर, हेलो, सिंपल सिंपलर फॉर्म सॉल्युबल में कन्वर्ट हो सब्सटेंस। गया। दैट इज सिंपलर फूड भी आप बोल सकते हैं। सिंपलर फूड मतलब सर आप रोटी इतना बड़ा खाए, है ना, और इसको मान लीजिए टुकड़े टुकड़े में बांट कर खाते हैं, मान लीजिए, है ना, ये इतना एक बार में खाते हैं एक बाइट, फिर ये सेकेंड बाइट, फिर ये थर्ड बाइट, फोर्थ, ऐसे ही खाते हैं। अब सर इतना बड़ा पीस आप खाए, देखिए इतना बड़ा पीस आपने खाया अपने मुंह से, आप पेट में जाके क्या हो गया? ये छोटा छोटा सब हो गया, ये छोटा छोटा। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रोटी है कि चावल है कि दाल है कि सब्जी है? ये छोटा छोटा हो गया, एकदम एकदम छोटा, एकदम इतना छोटा छोटा, एकदम इतना छोटा छोटा हो गया। आपको समझ में आ गया इतना छोटा छोटा ये रोटी है कि चावल है कि दाल है? हेलो, नो सर, तो इसको ही बेटा नेवर। बोले, ये रोटी को बोले कॉम्प्लेक्स फूड, और ये जो छोटा छोटा पेट के अंदर हो गया ना, इसको बोले सिंपल फूड। सिंपलर फूड। सबको समझ में आ गया सर? यस सर, यस सर। अच्छा सर, अच्छा सर, पेट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जब वो छोटा छोटा हो जाता है, तो उससे हम लोग को क्या फायदा होता है सर? सर जानते हैं क्या फायदा होता है? देखिए, आप यदि मैं बोलूं कि बेटा, आपकी मम्मी यदि बोले आपसे कि बेटा आज से आपका खाना बंद, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हो मन से, मतलब कोई भी काम अच्छे से नहीं करते हो, खेलते हो तो भी नहीं अच्छे से खेलते, पढ़ते हो तो भी नहीं पढ़ते, गाना गाने बोलते हैं तो वो भी नहीं गाते, तो आपको लगे अरे आज से खाना बंद, तो आपके माइंड में ये आएगा लगता है कि अब हम ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो खाना देना बंद कर देंगे, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एम आर आई यस जितने एनर्जी के साथ आप क्लास अटेंड करते हैं और बोलते हैं, जैसे मैं कुछ पूछता हूँ कि समझ में आया, आप तो उन्होंने बोलते हैं यस सर, तो ये क्या है? एनर्जी है ना जो आपके इनसाइड है। तो यानी सर आप फूड जब खाते हो कॉम्प्लेक्स फूड, तो आपको क्या मिलता है सर? एनर्जी एनर्जी इनर्जी मिलता है। अच्छा सर, सर इनर्जी कैसे मिलता है सर, आप बता सकते हैं क्या? यस, देखिए कैसे मिलता है इनर्जी। आप जैसे किसी चीज को खाए, तो वो क्या होता है, सबसे पहले हाथ से ऐसे उठाए, फिर मुंह में ऐसे डाले, फिर आप क्या करते हैं, चबाते हैं ना मुंह में ले जाकर, आप एकदम खाते हैं पूरा, जैसे चावल दाल रोटी खाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपना मुंह चलाना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, क्या करते हैं सर? ग्राइंडिंग करना स्टार्ट, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि यस अब ये मेरे गला से पार हो जाएगा, तो आप स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं उसको, है ना? जैसे ही आपका गला से पार हो जाता है, तो जानते हैं वो कहां पे जाके स्टोर होता है? वो चला जाता है स्टमक के पास। कहां चला जाता है? स्टमक स्टमक, है ना? जैसे ही आप खाते हैं ना,
तो सब जाके स्टमक, वो बोलता है बेटा खाते जाओ मैं रखते जाऊंगा, खाते जाओ रखते जाऊंगा। अरे वाह, स्टमक के पास चला जाता है। यस सर, स्टमक के बाद क्या होता है सर? सर जैसे स्टमक के पास आता है तो ये धीरे धीरे किसको भेजता है? स्मॉल इंस्टेंट को। इंटेस्टाइन, है ना। अच्छा सर, सर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है सर? तो जानते हैं सर, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। क्या होती है सर? सर वहां पे सारा जो आप खाए ना, रोटी खाए, चावल खाए, मटन खाए, फ्रूट्स खाए, मिल्क पिए, सब में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, एनर्जी है, सब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है रुक पहले मैं ऑब्जॉर्व कर लेता हूं, है ना। तो वो एब्जॉर्ब करना लगता है और वो क्या करता है फिर ब्लड वेशल में ब्लड को प्रोवाइड कर देता है कि लो भैया ये एनर्जी है। तो आपके ब्लड को पता चलता है अच्छा एनर्जी मिल गया, अब हम सर के हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे, है ना। और यदि आपको मान लेते हैं कि खाना ना मिले, या फिर मेरे को मेरी मम्मी खाना ना दे, बोले कि आज से तुम्हारा खाना बंद, तो हम ऐसे लेक्चर इतनी एनर्जी के साथ आपको दे पाएंगे? नो सर। हम कैसे बोलेंगे बेटा क्या कर रहे, समझ में आ रहा है? अब आपको लगे अरे सर से पढ़ना एकदम बेकार है, सर में एनर्जी है ही नहीं, क्या पढ़ाएंगे? एम आई राइट? यस सर। राइट। तो वही मतलब फूड हम लोग खाते हैं तो एनर्जी मिलता है, और वो कौन एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन का सर। वही एकदम सब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स विटामिन सब एब्जॉर्ब करता है, अब ब्लड को प्रोवाइड करता है, जा बेटा, है ना। सर इसके बाद क्या होता है? सर इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ, अब मान लीजिए जैसे आप कपड़ा धुलते हैं, आप नहीं धुलते होंगे, मम्मी को देखे होंगे धुलते हुए, तो मम्मी जब कपड़ा धुलती है तो क्या करती है, ऐसे कपड़ा धुलने के बाद पानी उस कपड़े से बाहर निकाल देती है ना, हेलो, और उसके बाद ऐसे फिर डाल देती है टंगना पे, है ना, मतलब जो रस्सी रहता है उस पे, कि अच्छा हवा लगेगा, धूप में रहेगा तो सूख जाएगा। तो अच्छा यार वो पानी निकाल दी, मतलब वो वेस्टेड पानी था, अब उसका कोई यूज नहीं है मेरे कपड़े में, तो मैं वो कपड़े में पानी क्यों रखूं? इसलिए हम लोग उसको गार देते हैं ऐसे करके, है ना। तो उसी प्रकार जब मेरे पेट को पता चल जाता है ना, गॉड इतने अच्छी तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे हैं हम लोग के ह्यूमन बॉडी में, कि जैसे ही अपने आप पता चल जाता है कि बेटा अब ये तुम्हारा जो खाना तुम खाए थे, जिसका पूरा विटामिन्स मिनरल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट फैट्स एनर्जी सब मैं एब्जॉर्ब कर लिया, तो जैसे ही पता चल जाता है वो बोलता है क्या करो, तो अब जो फूड बेकार का बच गया है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको क्या करो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजो। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है सर? लार्ज इंटेस्टाइन उसको स्टोर कर लेता है, किसको? अनडाइजेस्टेड फूड को। अब जिसमें कुछ भी विटामिन्स नहीं है, जिसमें कोई मिनरल्स नहीं है, जिसमें कोई कार्बोहाइड्रेट फैट्स कुछ नहीं है, अब वो बेकार का चीज लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। तो देखिए दो स्टोरेज डिवाइस की तरह काम किया, कौन कौन सा, कौन बताएगा? फर्स्ट वन वाज स्टमक एंड द सेकेंड वन वाज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी गुड सर। स्टमक में सर कैसे फूड रहते हैं जो एकदम विटामिन्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सब रखे रहते हैं, और सर लार्ज इंटेस्टाइन में सर वेस्टेज फूड एकदम बेकार वाला, है ना, जिसमें अब कोई जान है ही नहीं, ऐसा फूड है लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा सर फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है सर? लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जानते हैं क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन ना अब्सॉर्ब करता है, क्या सर? क्या अब्सॉर्ब करता है सर? वाटर। अब्सॉर्ब वाटर सर कहां से? वही जो अनडाइजेस्टेड फूड था ना, जो बाद में आप इजेक्ट कर दोगे, वही
अनडाइजेस्टेड फूड से जितना भी उसमें वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अरे यार देखते हैं, किसी किसी का सुनते हैं कि इसके बॉडी में वाटर की कमी हो गई, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ज्यादा पानी पियो तुम, बोलते हैं ना। तो यानी लार्ज इंटेस्टाइन बोलता है कि बेटा आप जो तुम अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्ट करने जा रहे हो उसमें जितना भी वाटर है रुक जाओ, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं पहले। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। सर इसके बाद क्या होता है सर? तो सर इसके बाद जानते हैं क्या होता है? रेक्टम के पास चला जाता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड। तो रेक्टम क्या करता है? अब तो सर वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया, मिनरल्स विटामिन फैट्स एनर्जी सब चीज स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद वाटर जो बचा वो भी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लिया। अब रेक्टम में एकदम कौन सा बचा? जिसका आप यूज ही नहीं करना, मेरे बॉडी में कुछ नहीं यूज कर सकता, ऐसा फूड कहाँ बचा सर? रेक्टम में। आ उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं सर? रात को जब सोते हैं सुबह जागते हैं तो सीधे जाते हैं कहाँ? टॉयलेट, मतलब वॉशरूम, है ना। और जो भी वेस्टेज फूड रहता है ना, वेस्टेज फूड मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड, हम लोग क्या करते हैं? इजेक्ट कर देते हैं, है ना। अनडाइजेस्टेड फूड इजेक्ट कर देते हैं, है ना। सबको समझ में आ गया भाई? किसको समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे वर्क होता है, डाइजेशन कैसे कैसे होता है? किसको किसको समझ में नहीं आया सर? सर आ गया। आ गया, अच्छा सर। तो अब कुछ चीजें लिखते हैं, है ना, कि सर डाइजेशन तो समझ गए, ये इतना सारा चीज आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब सर डाइजेशन का सर कुछ डेफिनेशन यदि कोई पूछे तो क्या बताएंगे? समझ तो गए सर। तो देखिए डाइजेशन का डेफिनेशन लिखेंगे सर, द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है ना। देखिए इतने सारे स्टेप्स हो रहे हैं, खा रहे हैं, पच रहा है, फिर रिजेक्ट हो रहा है, इतने सारा प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ, क्या ब्रेकडाउन सर? सर कॉम्प्लेक्स फूड। हेलो, यस सर, यस सर, कॉम्प्लेक्स फूड सर इंटू, कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेरी गुड, सिंपलर वन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब, क्या सर? एब्जॉर्ब एनर्जी। वेरी गुड, एब्जॉर्ब क्या? न्यूट्रिएंट्स, है ना, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें फ्रॉम देम। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कॉमा नोन एज डाइजेशन। अरे किसको समझ में नहीं आया भाई? अरे किसको टफ लगा भैया? अरे नहीं आया तो फिर से समझा देंगे, बताओ तो सही। किसको समझ में नहीं आया? सर आ गया। अरे वाह क्या बात, बच्चे आप लोग बहुत तेज, मींस स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। आइए भाई, सभी लोगों ने लिख लिया सर? किसी को कोई डाउट, किसी भी टाइप का डाउट, कहीं पे भी डाउट, समझने में डाउट हो तो तुरंत बेहिचक पूछिए, मैं हूं आप ही को बताने के लिए, ताकि आपके पास कोई भी डाउट ना रहे। अच्छा सर, सर इतना तो समझ में आ गया सर। अब सर कुछ चीजें और देखते हैं, क्या सर? Should I move towards the next one? Yes sir. Yes sir. हाँ जी, आइए आइए सर। एक का नेम होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स। सर अभी तो आप ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, अब ये एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या? अरे बताएंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स का मतलब समझिए सर क्या होता है।
सर ऐसे सरी ऑर्गन्स का मतलब होता है दैट दैट जो भी फंक्शनालिटी, जो भी फंक्शनालिटी आपके ये सब ऑर्गन्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, कौन से, बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, इसको कोई सहायता करता है क्या सर, हेल्प करता है क्या कुछ करने में? तो यस सर, हेल्प करता है। जो हेल्प करता है ना मेन ऑर्गन्स को, उसी को कहते हैं क्या, एसेसरी ऑर्गन्स। किसको समझ में नहीं आया सर? सर आ गया, सर आ अच्छा गया। राइट, तो क्या लिखेंगे सर, द ऑर्गन्स विच हेल्प्स, किसको, मेन ऑर्गन्स को, टू कैरी आउट, डाइजेशन। वेरी गुड, डाइजेशन इज नोन एज एक्सेसरी ऑर्गन, वेरी गुड। सर किसको समझ में नहीं आया प्लीज बता दीजिए, सबको आ गया। यस सर। सर ये एसेसरी ऑर्गन्स तो समझ गए, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं क्या, जैसे मेन ऑर्गन्स के तो 7 मैंने देखा। यस सर है सर, एसेसरी ऑर्गन्स में 4 थिंग्स आते हैं सर, क्या क्या आता है? सर द फर्स्ट थिंग इज सलाइविक ग्लैंड, सेकेंड वन इज लीवर, थर्ड वन इज गोल ब्लैडर, एंड द फोर्थ वन इज पैनक्रियाज। लिख लिए सर? हेलो, यस अच्छा सर, सभी लोगों ने लिख लिया इतना? यस आई यस वेट यस वेट वेट इंसर्ट कर लेते हैं, वो वाला कहाँ गया? सर इन थर्ड व्हाट यू हैव रिटन गोल ब्लैडर, ओके सर डन। यस यस सर अच्छा अब देखिए सर, ध्यान से देखिए, ये फिगर सबको दिख रहा है सर? यस सर देखिए सर, सर फर्स्ट क्या था सर, सलाइवरी ग्लैंड। सर सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है देखिए ध्यान से, सर ये रहा सर, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये एसेसरी ऑर्गन्स है ना सर, गोल ब्लैड। सेकंड क्या है, लीवर, लीवर कहाँ है सर? सर यहाँ देखिए, ये देखिए लीवर लिखा हुआ है, ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये लीवर है। अच्छा सर थर्ड क्या है सर, सर गोल ब्लैडर, सर ये देखिए यहाँ है गोल ब्लैडर सर, ये वाला, ये गया ये वाला, और सलाइवरी ग्लैंड क्या था सर, ये वाला था। अच्छा इसके बाद क्या सर, पैनक्रियाज सर, सर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट नीचे सर, ये रहा, ये देखिए ये वाला पॉइंट रहा है ना। अच्छा यस सर, सर सलाइवरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है, जैसे आप खाते हैं तो देखते हैं, कभी आप खाए नहीं हो फिर भी ऐसे लगता है कि मुंह में पानी आ रहा है, जैसे यस आपका जो फेवरेट फूड हो, जैसे मान लेते हैं समोसा, तो समोसा देखते लगता है अरे यार काश पापा मेरे को खरीद के दे दिए होते तो अभी हम तुरंत खा लेते, अब मुंह में इतना सोचते ही पानी आ जाता है माने राइट? यस राइट, तो वो कौन करता है, पानी कौन लाता है? यही सर, यही जो खतरनाक बच्चा दिख रहा है ना यहाँ पे, कौन वाला सर, कौन खतरनाक, यही सलाइवरी ग्लैंड, ये जो खतरनाक बच्चा दिख रहा है यही है वो, है ना, यही है वो सलाइवरी ग्लैंड, जो पानी ला देता है मुंह में, है ना। यस सर यही है वो, ये वाला चीज है ना? ये वाला। अच्छा सर इतना सबको समझ में आ गया कि एसेसरी ऑर्गन क्या करता है सर, वो हेल्प करता है डाइजेशन में,
क्या करता है सर? हेल्प करता है डाइजेशन में. वेरी गुड. सर सलाइवरी ग्लैंड कैसे हेल्प करता है? तो जैसे आप कुछ खाते हैं ना सर, जैसे आप कुछ खाए तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा. क्या प्रोड्यूस करता है सर? सलाइवा. सलाइवा प्रोड्यूसेस सलाइवा. अच्छा सर, सलाइवा प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ? सर सलाइवा प्रोड्यूस किया तो वो जो भी आप खाते हैं उसको मिक्स करने में टंग के साथ, टीथ के साथ हेल्प करता है ना? यस यस सर. और वो मिक्स कर देता है तो हेल्पिंग इन डाइजेशन. नो, मिक्स करने में हेल्प कर रहा है यानी इनडायरेक्टली वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. यस सर. राइट राइट. उसके बाद फिर यहां से सर एसोफेगस के थ्रू ये जो पाइप दिख रही है ऐसे लाइन, इससे आ जाती है कहां? सर स्टमक में आ जाता है. सर ये रहा देखिए स्टमक, और यहाँ पे वो स्टोर होता है थोड़े वक्त के लिए. अच्छा सर, फिर स्टमक से धीरे धीरे वो कहां चला जाता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये सब में देखिए यहाँ जो दिख रहा है ऐसे ऐसे पेचीदा स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे जो दिख रहा है ना, ये सब सब स्मॉल इंटेस्टाइन है. अच्छा सर, इससे तो सर लीवर क्या करता है? तो सर लीवर हेल्प करता है, लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया एंड पैनक्रियाज हेल्प करता है खाना को पचाने में, है ना? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको एकदम छोटा 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 सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. कौन? लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज. ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर. राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग सर. यस यस सर, ये तीनों का एक ही जैसा काम है? यस यस, वी विल आफ्टर सम टाइम वी विल स्टडी कि ये क्या आखिर करता क्या है. लीवर, गोल ब्लैडर आखिर करता क्या है, पैनक्रियाज आखिर करता क्या है. अभी ये जानिए कि ये तीनों क्या करता है, हेल्प करता है किसको? डाइजेशन होने में, है ना? व्हाट द पॉइंट? राइट. आइए नाउ एलिमेंट्री कैनाल अभी पढ़े थे ना, तो कैनाल डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? देखिए सर, कभी ट्रेन पे आपने सफर करा है? यस सर. यस सर. व्हेनेवर यू हैव ट्रेवल्ड इन ट्रेन, देखते हैं ये बोलता है कि ये भाई कोच है S1, फिर यहाँ लिखा रहता है कोच S2, फिर इधर लिखा रहता है ये एसी वाला वन है तो उसका नाम देता है बी वन, इसका है मान लीजिए बी टू. तो ये कंपार्टमेंट होता है सर, है ना? मतलब ये रेल तो बहुत बड़ी होती है, ये आपस में सब कनेक्शन होता है. तो ये वन कंपार्टमेंट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. गॉट द पॉइंट? तो मतलब अलग अलग जब है ना, बट कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट. ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर. तो उसी प्रकार जो कैनाल है ना, वो भी बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, इन अ वेरियस कंपार्टमेंट. गॉट द पॉइंट? हेलो. यस. राइट. तो वो क्या है सर? तो जैसे देखते हैं सर, माउथ, माउथ के बारे में पढ़ते हैं, है ना? माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं सर? ओरल कैविटी. माउथ को और क्या कहते हैं सर? ओरल कैविटी. वेरी गुड. नाउ सर, माउथ जो है वो देखिए दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है. क्या क्या है सर? सर एक तो टीथ का कंपार्टमेंट और दूसरा क्या है सर? टंग का कंपार्टमेंट. हेलो. यस सर. सबके माउथ में देखिए तो टीथ और टंग है क्या? यस सर.
अरे वाह सर, ये टीथ जानते हैं सर टोटल कितना होता है? सर टीथ होते हैं टोटल, जब आप बड़े हो जाएंगे है ना, तो 32 हो जाएगा थर्टी टू टोटल। और थर्टी टू सर 32 होते हैं। टीथ के सर टाइप्स कितने होते हैं? 32 तो टू ठीक है ना, तो टीथ के होते हैं सर, सर फोर नहीं वेरी गुड सर, सर फोर फोर टाइप्स होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं सर? तो सबसे पहला होता है इंसीजर, क्या होता है सर? इंसीजर सेकेंड होता है केनाइन, क्या होता है केनाइन सर? सर थर्ड होता है सर प्री मोलर, क्या होता है सर? मोलर और फोर्थ होता है सर मोलर, क्या होता है सर? मोलर मोलर मोलर। यानी टीथ जो है सर, चार टाइप के टीथ हम लोग के माउथ में प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर मोलर। ठीक। नाउ सर, सर ये जो 32 है ना सर, ये तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना होता है? 32 32 होता है, वेरी गुड। ऊपर हाँ तो 16 इसका मतलब है कि सर 16 जो टीथ होते हैं वो अपर में होते हैं, और 16 जो टीथ होते हैं वो नीचे कहाँ होते हैं? ऊपर जो डाउन होते हैं। तो ये होते हैं अपर पार्ट ऑफ माउथ और ये होते हैं लोअर पार्ट, है ना? तो देखिए अभी भी मतलब अपर पार्ट में भी 16 टीथ और लोअर पार्ट में लोअर भी 16 टीथ, तो टोटल हो गया ना 32। अच्छा सर, सर यस इंसीजर कितना होता है? तो सर इंसीजर होता है कितना? चार फोर फोर। फोर क्या होते हैं सर? इंसीजर होते हैं, है ना? फोर हो गए आपके इंसीजर, ISICO। अच्छा सर प्लीज म्यूट। अच्छा सर, सर यस यस प्लीज। फोर हो गए क्या इंसीजर? तो कितना बचा सर? तो 32 माइनस 4 इज इक्वल टू 28। अभी सर 28 टीथ और बचा हुआ है, अब उसको बाइफरकेट करना है ना। अच्छा सर, तो सर 8 होते हैं आपके, क्या होते हैं सर? हेलो, के नाइन, क्या होते हैं सर? के नाइन के नाइन। तो सर अब 28 में से 8 चला गया, तो अब भी सर 20 टीथ को हमको बाइफरकेट करना है। फिर सर 8 होते हैं क्या? प्री प्रीमोलर मोलर, वेरी गुड, प्री मोलर। तो अब कितना हो गया सर? 20 में से भी 8 चला गया तो बच गया 12। अब ये जो 12 है ना सर, यही 12 कौन सा होता है? मोलर मोलर, मोलर मोलर होता है ना? मतलब जब भी आप बड़े हो जाएंगे तो आपके टीथ जब आप देखोगे तो 4 हो गए इंसीजर, 8 होंगे केनाइन, 8 होंगे प्री मोलर और 12 मोलर होंगे। सर इट मींस 4 है, 4 का मतलब हुआ 2 यदि अपर में होता है तो 2 नीचे में होता है लोअर लोअर होता है ना, 2 अपर हुआ तो 2 लोअर हुआ। नाउ 8 के 9 है तो 4 अपर में हो तो 4 डाउन लोअर में होंगे, है ना? फिर प्री मॉलर भी 8 होते हैं, तो 4 अपर हुए तो 4, लोअर लोअर वेरी गुड, 4 अपर में तो 4 लोअर। फिर मोलर है सर, 12
ट्वेल्व, तो यानी सिक्स अपर में हुए तो सिक्स लोअर। वेरी गुड। यानी अभी देखिए काउंट करिए, है ना, तो अपर वाले काउंट करिए कितना है सर, टू प्लस फोर प्लस फोर प्लस सिक्स, सिक्स टोटल कितना हो गया सर, 32, वही 16। देखिए तो 16 ये अपर वाले आए है ना, अपर वाले को ऐड किए हैं सबको, तो 16 अपर, देखिए तो 16 ही अपर था ना, यानी हम लोग का ये जो लिखा गया है ये क्या है, सही है, सही All है। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर, यस। मैं ये सब इतना ऐसे इसलिए बताया कि यदि कभी आप एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे करके अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा यार सही कर रहे हैं कि या गलत कर रहे हैं। अब सर आइए थोड़ा ह्यूमन टीथ बना ले, तो सर जो केनाई इंसीजर प्री मोलर और मोलर होता है ये सब होता का है, यानी ये ऐसे लोअर वाला टीथ है मान लीजिए, है ना, लोअर वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। तो सर इंसीजर कहाँ होता है सर, जो फ्रंट में होता है ना, हेलो, यस सर, ये जो फ्रंट में टू टीथ होता है जिससे आप ऐसे लेकर कुछ तोड़ते हो, है ना, जैसे चिप्स लिए डायरेक्ट यहीं से कट करते हो, कट से, है ना, तो ये हो गया आपका इंसीजर, गॉट इट, हेलो, यस सर। इसके बाद सर केनाइन होता है, तो केनाइन इसके बाद होता है कैसे, एकदम ऐसा होता है, वेट वेट, केनाइन होता है सर, है ना, तो केनाइन ऐसा होता है, लेकिन देखिए सर, सर यहां पे ध्यान से देखिए, देखिए सर टू हो गया आपका क्या, इंसीजर हुआ, हेलो, यस सर, इंसीजर हो गया सर, देखिए फोर वन टू थ्री फोर, फोर क्या हो गया सर, केनाइन, केनाइन। नाउ प्री मोलर पे आते हैं, प्री मोलर सर वन टू थ्री फोर, है ना, अच्छा सर, सर ये ब्लैक वाला जो है ये हो गया क्या सर, प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब इधर टू और इस साइड टू होता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और सर मोलर देखिए ना, मोलर अब यहां पे होता है वन टू थ्री, वन टू थ्री, है ना, तो सर देखिए इस साइड थ्री हो गया, है ना, इस साइड थ्री हो गया वन टू थ्री, और इस साइड भी थ्री हो गया, ये सब क्या हो गया सर, मोलर, मोलर हो गया, मोलर। तो ये ऐसा आपका टीथ होता है ना, नीचे में कितना हो गया, थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन, वन एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन नीचे हो गया, और ये ऐसे ही ऊपर होता है, ऊपर वाला टीथ। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर, यस सर। सबको समझ में आ गया भाई? यस सर। तो केनाइन सर कितना हो गया सर, लोअर पार्ट में फोर हो गया सर, इंसीजर कितना हो गया सर, टू हो गया, टोटल प्रीमोलर कितना हो गया सर,
फोर, और मोलर कितना हो गया सर? सिक्स. सिक्स है ना. ये किसके लिए है? ये है सर, ये पूरा है किसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? अपर की लोअर? लोअर. तो ये लोअर केस का डेटा है, लोअर टीथ का डेटा है. ठीक है सर. और सेम थिंग, सेम चीज कहाँ रिपीट होगा? अपर में. ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस सर. ठीक है, तो इसके बाद वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. बाय टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.